नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। रतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में। बिहार के इस जिले से हवाई सेवा की शुरुआत होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अगले साल यानी कि साल 2023 तक पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत होने वाली है। पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधि केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री से मुलाकात किए थे, जिसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिलाध्यक्ष सह प्रमंडल प्रभारी अविनाश कुमार मिश्र ने नागरीय उड्डयन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की बात कही। तो वहीं यह भी बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया और ज़मीन पर उन्होंने कार्य किया है ताकि ये जो तरह से कह लें कि पूर्णिया में हवाई सेवा है उसकी शुरुआत की जा सके। पूर्णिया में हवाई सेवा की शुरुआत करने को लेकर बोलते हुए अविनाश ने बताया कि पूर्णिया से विमान सेवा शुरू होने से पहले बड़ी अड़चन जमीन अधिग्रहण का है। उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण में किसानों के साथ मामला कोर्ट में चल रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे मामले को लेकर MSU ने हस्ताक्षर कर उच्च न्यायालय को दिया था, यानी कि एक पूरा जो है मसौदा तैयार किया, उसके बाद आम लोगों से उसको लेकर हस्ताक्षर करवाया गया और उस पूरी प्रक्रिया को जो है उच्च न्यायालय के पास पहुंचाया गया ताकि काम जो है आसानी से हो सके, जल्दी से हो सके। इसके बाद कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने जिलाधिकारी को इस पूरे मामले को जल्दी से निष्पादित करने को यानी कि जल्दी से पूरा करने को कहा गया। इसके बाद 25 अप्रैल को जिलाधिकारी महोदय ने 22 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की बात कह दी और उन्होंने स्वीकृति दी थी कि 52 एकड़ जमीन जो है वो पूरी तरह से अधिकृत कर दी गई है एयरपोर्ट के नाम से। अविनाश ने यह भी बताया कि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने आश्वासन किया है कि जमीन अधिग्रहण पर राज्य सरकार से समन्वय स्थापित हो गया है। बता दें कि पूर्णिया एक सैन्य हवाई अड्डा है, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने NOC के लिए DPO भेजा गया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही NOC मिलती है, सिविल एनक्लेव टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण के लिए नागरीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा टेंडर निकाला जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि विमानन कंपनियों की ओर से टेंडरिंग कराई जाएगी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगले साल मार्च तक पूर्णिया में देश के 5 राज्यों के बीच में घरेलू सेवा शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से कह लें कि अगले साल के मार्च तक पूर्णिया के लोगों को इंतजार करना होगा कि वहाँ पर घरेलू सेवा की शुरुआत की जा सकती है। वहाँ पर जो है एक बार फिर से कह लें कि वायु सेवा की शुरुआत होने वाली है। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए अविनाश ने यह भी बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री से बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया है कि पूर्णिया के लिए उनके पास बड़ी सोच है। उन्होंने यह भी बताया कि वायु यातायात के नज़रिए से पूर्णिया एक बड़ी जगह है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ध्यान में रखकर भी उस जगह को विकसित किया जा सकता है। अविनाश ने बताया कि फिलहाल इसकी घरेलू उड़ान को लेकर जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया में हवाई सेवा की शुरुआत हो जाने से पूर्णिया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी जाना जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पूर्णिया से जब हवाई सेवा की शुरुआत होगी तो सीमांचल के 9 जिलों को जो है इसका सीधा असर होगा, यानी कि उसको सीधा फायदा पहुँचने वाला है। इधर पूर्णिया के लोगों का कहना है कि पूर्णिया में पहले से ही चुनापुर वायु सैनिक एयरपोर्ट है। यह भी बताया गया कि यहाँ पर पहले से हवाई सेवा के उड़ान के लिए यहाँ पे हवाई पट्टी पहले से विकसित की गई थी, उसमें जो है पिछले दिनों कुछ काम किया गया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर पूर्णिया में हवाई सेवा की शुरुआत होती है तो सीमांचल के लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ राज्य के 5 ऐसे जिले होंगे जो कि इससे सीधे तौर पे कनेक्ट हो पाएंगे। और खास करके अगर हम पूर्णिया की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी मिलता है पूर्णिया से, तो बिहार और बिहार से दूसरे राज्यों में, खास करके अगर हम दूसरे देशों की बात कर ले तो वहाँ आना जाना आसान हो सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।